डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड्स कोई भी डेरिवेशन करना हो या फर्स्ट हो या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हो तो उसमें एक्स और वाई एक्सिस पर ही चले बात होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस ट्रेवल से हम निकालेंगे एरिया, जितना एरिया बॉडी ग्राफ में कवर करेगा उतना एरिया को ही हम निकालेंगे बाई ग्राफिकल मेथड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो एक एग्जांपल के तौर पे इसे देखते हैं। डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड, मानिए कि ये एक साइकिल है, यहाँ से इसका 0 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, फिर बढ़ा 0.3 किलोमीटर, फिर यहाँ पर आया इस पॉइंट पे तो 0.5, करते करते एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ पर इसका 1 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड है, और यहाँ से यूनिफॉर्म हो गया और आकर के एक पॉइंट पे फाइनली स्टॉप हो गया, यहाँ पे रुक गया। तो वहीं ग्राफ में है, जब ये साइकिल यहाँ से यहाँ पर जब ये वाई और ये एक्स एक्सिस है, तो जब यहाँ पे जीरो पे चलता है तो यहाँ पर 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 आके यहाँ पे 1 हो जाता है, और यहाँ के बाद ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रूप में यूनिफॉर्म कांस्टेंट इस कांस्टेंट वेलोसिटी पर यहाँ पर बी पे आकर के रुक जाता है, और यहाँ से जो दूरी तय करता है ये डिस्टेंस कवर है, तो ओ ए बी सी जो पूरा एरिया कवर करता है यही इसका डिस्टेंस है। तो वहीं पे यहाँ पे लिखा गया सपोज ए बॉडी ट्रेवल डिस्टेंस है इन टाइम टी, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो टी टाइम में कुछ समय लगता है, कुछ टाइम लेता है कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जाने में, तो वहीं टी टाइम में। तो निकालेंगे कैसे, तो निकालेंगे इस ग्राफ के अनुसार में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हमने माना फिगर, वहीं यहाँ पर लिखा है टाइम एक्सिस विच इक्वल टू एरिया ऑफ विच इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, ओ ए बी सी जितना भी ये एरिया कवर करेगा वहीं डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस ट्रेवल एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी डिस्टेंस ऑफ फिगर, मतलब इस फिगर का डिस्टेंस जितना कवर करेगा। देखिए ये एक ग्राफ है, यहाँ पर एक इनिशियल स्पीड इनिशियल वेलोसिटी यू होता है, और यहाँ आने के बाद कुछ यूनिफॉर्म हो जाता है वेलोसिटी, तो यहाँ पर फाइनल हो जाता है, तो ये यहाँ से उठकर यहाँ तक गया, तो वहीं यहाँ से यहाँ तक इसका यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी होगा। तो यहाँ पर हमने एक परपेंडिकुलर गिराया और फिर यहाँ पर एक परपेंडिकुलर गिराया वाई एक्सिस पर जो कि ई पॉइंट पर टच करेगा, और वाई एक्स एक्सिस पर सी पॉइंट पर टच करेगा, और इसके पैरेलल हमने ये ड्रॉ किया, तो एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी तो इसमें दो है, ओ ए बी सी में दो है, ये एक ये ट्रेंगल बन रहा है और यहाँ पर ये एक ये रेक्टेंगल बन रहा है और यहाँ पर ये एक ट्रेंगल बन रहा है, तो यानी दो एरिया कवर करके ये एरिया ओ ए बी सी बनता है, तो एरिया ऑफ ओ ए डी डी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए बी सी ओ ए डी सी ओ ए डी सी एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ ए बी डी एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी इक्वल टू होगा इक्वल टू ओ ए इंटू ओ सी, यानी ओ ए इंटू ओ सी, ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हम फॉर्मूला जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो वहीं ओ ए ओ सी यानी लेंथ ओ सी है और ब्रेथ ओ ए लेंथ है और ओ सी ब्रेथ है, तो वहीं ओ ए को हमने यू माना है, ओ ए को हमने इनिशियल वेलोसिटी यू माना है, तो यहाँ पर यू पुट कर दिया, और वहीं ओ सी को हमने यहाँ पर टी माना है,
तो टी हो गया, तो यू इंटू टी हो गया। वहीं एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी, ए बी डी का फॉर्मूला होता है हाफ एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ हाफ इंटू ए डी, ए डी ए डी हो गया। यहाँ पर ए डी जो हुआ टाइम को डिनोट करता है, क्योंकि ये इसके पैरेलल है, तो यहाँ पर टाइम भी इसके समय होगा। तो ए डी का स्थान पर टी रख दिया। और बी डी निकालने के लिए हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन ए बी होता है बी डी इंटू ए बी डी डिवाइड बाई ए डी। तो वहीं हमने किया ए बी, ए बी इक्वल टू बी डी डिवाइड बाई ए डी। तो ए डी इंटू ए बी, ए डी इंटू ए बी मल्टीप्लीकेशन होगा। बी डी निकालने के लिए बी डी यहाँ पर निकाला, ए बी यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन हमने पिछले ड्राइव किया था पिछले क्वेश्चन में, या फिर स्लोप ऑफ लाइन बोलते हैं मतलब चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एक्सेलरेशन के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पे ए डी रख दिया, और ए डी जो हो गया, ए डी इसके ओ सी के पैरेलल ए डी है, तो यहाँ पे टी हो गया, तो हमने यहाँ पे टी रख दिया। तो बी डी निकल गया ए टी, तो बी डी के स्थान पे ए टी रख दिया हमने, और ये आके आ गया, ये हम गया। तो डिस्टेंस टेबल एस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी डी। तो यहाँ पर जब हम पूरा वैल्यू पुट करेंगे तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ गया। ये हो गया डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ये ग्राफिकल मेथड से सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया।